ओके, थैंक यू सो मच। लिखने से पहले ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपका नाम यहाँ पे नजर आएगा कि आप ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करते हैं ना, हम चाहते हैं कि आपको एग्जाम के बारे में अच्छे से बताया जाए, कि आप सभी एग्री हैं इस चीज को लेकर के, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर के कई सारे दुविधा मन में हो सकती है। म्यूट करें, सबसे पहले म्यूट कर लें, जो भी है म्यूट कर लें, आपका जो भी बात रहेगा वो आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सभी लोग म्यूट कर लें, ठीक। क्लास आज ज्यादा देर तक का नहीं हो है ना, आज केवल 11 बजे से अपना क्लास था, 15 मिनट ब्रेक ही दे दिए, फिर आपका आने में थोड़ा टाइम चला गया। और हाँ, मर्सी ऐसा कोई करके आईडी है, लग रहा है स्क्रीन पे लिखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो लोग ध्यान देंगे, एग्जाम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और कल से जो है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 20 मिनट ऑलमोस्ट है अपने पास, 20-25 मिनट, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको हम बताएं ब्रीफली एकदम, ठीक है। म्यूट कर लें, फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी है म्यूट कर लें, ठीक है, म्यूट करें। सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखेंगे, म्यूट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। स्क्रीन मेरा सबको नजर आ रहा होगा, जिस पे हम लिखने वाले हैं अभी, आपको भी नजर आएगा, जो भी हम ड्रॉ करेंगे वो आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग साइंस जो भी हम चूज किए हैं, उनके लिए दो ऑप्शन बड़ा ही अच्छा बनता है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका हो जाता है, यहाँ से हम लोग यदि हम क्या ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं हम, यदि साइंस ले रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से दो चीज सभी लोगों को पसंद आता है, और जिसके लिए भी आप एडमिशन ले रहे हैं खास करके, एक तो आपका हो जाता है इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरा हो जाता है मेडिकल, ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसमें हैंडराइटिंग आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि अच्छा आएगा, बस आपको समझना है इंजीनियरिंग और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंजीनियरिंग में जो खास करके जो ऑल ओवर वर्ल्ड, यदि हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो इसमें सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक जो होता है वो आपका आता है आईआईटी का, ठीक है। वर्ल्ड टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक एग्जाम है आईआईटी, ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना। तो ये बेसिकली इंडिया में जो हो रहा है वो किस लेवल पे है आपका, 12th, ठीक है, यानी कि आप आफ्टर ट्वेल्थ ये एग्जाम जो है आप दे सकते हैं, इसके इसमें जाने के लिए इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा होता है, जिसको हम लोग आईआईटी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईआईटी जेई, ठीक है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इसका नाम, ठीक है। तो जेई जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला जो होता है, ये परीक्षा जो होता है वो दो स्तर में होता है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है मेंस, क्या होता है, जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है एडवांस, ठीक है, वो क्या होता है एडवांस। तो अब जेई मेन क्या है, जेई एडवांस क्या है, तो जेई मेन जो है वो परीक्षाएं लेने का क्या उद्देश्य है, और उसके बाद जेई एडवांस आखिर लेने का क्या मकसद है, क्या हम सुन पा रहे हैं, क्या क्या आप सब हमको सुन पा रहे हैं, बीच बीच में हम ये पूछेंगे और कोई भी एक दो बोल देगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई आई एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, थैंक यू, यस। तो ये जो मेंस एग्जाम है, क्योंकि आप सभी को ये समझना होगा कि कई सारे ऐसे कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज, सॉरी आपका जेई इंजीनियरिंग का कॉलेजेज, ठीक है, एक तो सबसे पहले जो आपका आ जाता है आईआईटी, ठीक है, आईआईटी कॉलेज, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आपका जो भी आपका एनआईटी रहता है, ठीक है, एनआईटी जो भी आपका रहता है, उसके बाद आ जाता है आपका कई सारा क्या बोलते हैं स्टेट वाला जो और जितना भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग हम लिख देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जो स्टेट में अवेलेबल है, और उसके बाद आ जाता है आपका प्राइवेट, ठीक है, गवर्नमेंट, ये दोनों भी गवर्नमेंट है लेकिन इसका तो नाम ही अलग है, आईआईटी और एनआईटी हम कर दिए, ठीक है, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जो कि आपका स्टेट में होता है, महाराष्ट्र वगैरह, वो सब हम लेकर के चलते हैं, और उसके बाद प्राइवेट। तो ये जो मेन्स है, ये तीनों जो कॉलेजेस हैं, इन तीनों को एनआईटीज के लिए, गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वो, और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें एडमिशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको क्वालिफाई करना होगा मेंस एग्जाम, ठीक है। हालांकि सीईटी भी होता है, वो हर एक अलग अलग अपना स्टेट का होता है,
लेकिन हम स्टैंडर्ड बात करेंगे यहाँ पे, क्या आपको क्लियर करना होगा मेंस, ठीक है, मेंस एग्जाम आपको देना होगा, ठीक है। तो मेंस एग्जाम के ही बेसिस पे ये एनआईटीज, ठीक है, क्या क्या मेंस के ही बेसिस पे ये आपको एनआईटी, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हो गए बचा हुआ वो अच्छे अच्छे भी हैं, काफी अच्छे कॉलेज हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है, ये मेंस एग्जाम देते देने के बाद। और मेंस में यदि आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है, मेंस में यदि हम क्वालिफाई कर गए तो क्वालिफाई कैसे करेंगे, क्या, अच्छा मेंस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या है, तो मेंस जो होता है वो तीन सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, मेंस जो होता है वो तीन सब्जेक्ट है। जनरली हम बात करेंगे बीटेक का ही, ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर भी होता है, तो आर्किटेक्चर वाले जो सर हैं वो आपको अच्छे से इसके बारे में आपको बताएंगे कि आर्किटेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसमें आपका जो है मैथ्स रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, उसके बाद ड्राइंग रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें नहीं आता है, बस यही अंतर है। लेकिन जनरली हम आईआईटी कहीं डिस्कशन यहाँ पे अभी करेंगे तो मेंस में जो सब्जेक्ट रहेंगे वो फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट आपका होते हैं। अभी जो नया ट्रेंड है उसके अनुसार इसमें 30 क्वेश्चन होता है, ईच 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन इसमें भी आपका 30 क्वेश्चन होगा, और इसमें भी आपका कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। कितना अटेम्प्ट करना है, 25, ठीक है, लेकिन उसमें से भी आपको ये हम बता दें कि 30 क्वेश्चन में, ठीक है, 30 क्वेश्चन में जो 20 रहेंगे वो MCQ होंगे, 20 रहेंगे वो क्या रहेंगे, MCQ, सेम उसमें भी 20 MCQ और 20 MCQ, और म्यूट करें जो भी हैं, म्यूट करें जिनका आवाज आ रहा है, ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या रहेगा MCQ, जिनका आंसर देना अनिवार्य है, यानी आपको इसको नहीं छोड़ना है, ये आपको देना है, इसमें कोई च्वाइस नहीं, ठीक है, मतलब इन द सेंस आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक को एक के बदले आप दूसरे का आंसर दे सकते हो, दूसरे के बदले तीसरे का, ये होता नहीं है कि सॉल्व एनी वन, ऐसा इसमें नहीं, ठीक है, सॉल्व एनी वन ऐसा करके नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, इसमें भी ठीक उसी प्रकार से। लेकिन बाकी इसमें और क्या रहते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो न्यूमेरिकल रहेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड में मतलब वही कि आंसर आपको लाना पड़ेगा सॉल्व करके, और एग्जैक्ट आंसर लिखना पड़ता है, जैसे सपोज दैट मैथ्स में ही सॉल्व किया आपका आया 20.0, मतलब ये राउंड ऑफ करके, ठीक है, 20.55 ऐसे करके आया, ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा कि हाँ इतना ही आंसर है, आप ऐसा नहीं लिख सकते 20 नहीं लिख सकते, ठीक है, मतलब कि राउंड ऑफ करने के बाद यदि 20.5 आ रहा तो वही, या फिर 19.97 लिखे हो तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये जो एग्जैक्ट है वो आपको लाना पड़ेगा। तो ऐसे 10 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें आपको 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 5, तो इधर कितने होंगे 20 और इधर कितने होंगे 5, दैट इज 25। खास बात ये है कि ये वाला जो 20 है, ये जो 20 जो आपका था MCQ, इसमें करेक्ट के लिए, ठीक है, करेक्ट करेक्ट के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स, ठीक है, तो यदि चारों का चारों सही हो जाएगा, ठीक है, 4 × कितना मिल जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 मार्क्स, इज दैट क्लियर, 80 हो जाएगा। और यदि गलत होता है, रॉन्ग के लिए आपको मिलता है ये +4 मार्क्स हो गए, यहाँ पे मिलता है -1 मार्क्स, ये ध्यान में रखेंगे, -1 मार्क्स मिलता है यदि आप एक गलत करते हो तो, ठीक है, 200 गलत हो जाएगा तो -20 हो जाएगा। और आते हैं ये जो 5 क्वेश्चन इंटीजर है, ये जो 5 क्वेश्चन जो है वो ये वाला न्यूमेरिकल्स वाला, ठीक है, अभी भी किसी का खुला हुआ है म्यूट करे जी, जो भी है म्यूट करे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल वाला, तो इसमें आपका करेक्ट होने पे क्या आ जाएगा, +4 मार्क्स, ठीक है, +4 मार्क्स, तो इस तरीके से 4 × क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 20, और टोटल, ठीक है, श्रावणी, आपने जो ये एरो दिया है उसको हटा दीजिए बेटा,
हम पहले ही बोले हैं आप स्क्रीन पे कुछ भी कीजिएगा तो आएगा, ठीक है, आप स्क्रीन पे कुछ भी कीजिएगा तो आएगा, ठीक है, आपका नाम, हाँ थैंक यू। तो ये टोटल मार्क्स जो हो जाएगा आपका 100 मार्क्स हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है? इसी तरीके से करके केमिस्ट्री का, इसी तरीके से करके आपका फिजिक्स का होगा, यानी कि टोटल यदि हम बात करें, ये ईच सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट, तो टोटल यदि हम बात करें तीनों का तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 300 का हो जाएगा। अच्छा, इसमें यदि हम बात करें रॉन्ग के लिए, तो रॉन्ग के लिए इसमें एक भी मार्क्स आपको कटने वाला नहीं, यानी कि आप सबका सब अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसमें रॉन्ग के लिए एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। तो टोटल यदि हम कहें मेंस में, ठीक है, मेंस के लिए यदि हम टोटल कहें तो 100 ये किसमें, फिजिक्स में, ठीक है, प्लस 100 टोटल मार्क्स, 100 केमिस्ट्री में और प्लस 100, ठीक है, किसमें, मैथ्स में, ठीक है। तो टोटल आपका जो आ जाएगा वो 300 मार्क्स आ जाते हैं। ये क्या है आपका बेटा, टोटल, समझ में आ रहा है, टोटल कितने आ जाएंगे, 300 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। अब बात आता है कि सर कितना एग्जाम में हम मार्क्स लाएं कि मेरा पास हो जाए, मतलब कि हम क्वालिफाई कर जाए किसके लिए, एडवांस के लिए, ठीक है। तो हर एक साल का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, ठीक है, हर एक साल का अलग अलग कट ऑफ निकलता है, ठीक है, हर एक साल का अलग अलग कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ वो मार्क्स होता है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स वो मार्क्स होता है जिसके जितना लाने के बाद, ठीक है, मतलब मान लेते हैं सपोज दैट कट ऑफ मार्क्स है 100, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स है 100 मार्क्स है कट ऑफ। तो ये, और ये भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग होता है, जैसे कि हम जनरल या फिर हम बात करें ओपन, ठीक है, इसके लिए मान लेते हैं 100 मार्क्स है आपका कट ऑफ, यानी कि 100 से ऊपर लाने, 100 या 100 से ऊपर लाने वाले जो हो गए वो क्या हो गए, क्वालिफाई कर गए जेई मेंस, यानी कि ही इज एलिजिबल, सॉरी ही और सी इज एलिजिबल फॉर एडवांस, ओके, बात समझ में आया। लेकिन और साथ ही साथ वो एडमिशन ले सकते हैं जो ऊपर के हम कॉलेजेस के नाम बताएं, यानी कि किसमें, NITs में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो बचे हुए और प्राइवेट में। लेकिन हाँ, अब उसमें भी सबसे पहले प्रेफरेंस किसको लोग देते हैं, NIT का। तो जाहिर सी बात है कि अब तो 100 से ऊपर कई लोगों का आएगा, ठीक है, हो सकता है कि 250 भी आ जाए, हो सकता है कि 3 out of 300 भी आया हुआ है, ठीक। तो जो IIT में नहीं जाना चाहते या जो एडवांस नहीं देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, इधर एडमिशन ले लेते हैं। तो हर एक कॉलेज का अब अलग अलग कट ऑफ होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले सबसे पहले क्या मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा, तो सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं उनको, ठीक है, कि आपको जिस कॉलेज में लेना है वो ले लीजिए। तो लोग क्या लेंगे, NIT लेंगे। तो साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि जिसका ज्यादा मार्क्स रहेगा उसको पहले प्रेफरेंस लेगा, और पहले प्रेफरेंस मिलेगा तो वो क्या चूज करेगा, NIT को चूज करेगा, यदि एडवांस में ही जाना है तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको NIT को लाने के लिए भी, यानी कि आप 100 में तो केवल क्वालिफाई कर गए, केवल क्या कर गए, क्वालिफाई कर गए, ठीक है, क्वालिफाई कर गए, ठीक है, कि आप एडवांस दे सकते हैं, लेकिन क्वालिफाई फॉर एडवांस। लेकिन यदि हम बात करें हमको NIT चाहिए, ठीक है, NIT चाहिए, ठीक, तो उसके लिए आपको कम से कम जो है ना 250 आप मान के रखिए 220 तो आपको चाहिए, XFS स्कोर हम बता रहे हैं, ठीक है, 220 या 200 प्लस, ठीक है, अलग अलग साल का अलग अलग होता है, लेकिन हम एक सेफेस्ट मान के चलते हैं कि 200 यदि प्लस आपका आ रहा है तो आपको NIT जो है वो आराम से मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा इससे कम मान लेते हैं कि आप जो गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जो भी स्टेट में आते हैं, अलग अलग स्टेट में, उसके लिए मान के रखिए आपकी 100 जो है 170 जो है वो प्लस आपको आता है, तो आसानी से आराम से मिल जाएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो प्राइवेट कॉलेज में है उसमें तो कितना भी मार्क्स रहेगा उसमें हो जाता है एडमिशन, लेकिन उसमें भी अच्छे कॉलेज के लिए, ठीक है, प्राइवेट में भी जो अच्छे कॉलेज है आप कम से कम मान के रखिए कि 130, ठीक है, प्लस यदि आपका आ रहा है तो उसमें मिलने के चांसेस है, 130 to 150 ऐसा कुछ आता है, तो उसमें अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ये मोटा मोटी है जो कि आपका ये बताता है कि आपका किस कॉलेज में, हाँ भाई म्यूट करें, किसी का आवाज़ आ रहा है, कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, कितने मार्क्स पे। तो टोटल 300 का एग्जाम हो रहा है जिसमें आपको इतना मार्क्स लाना कंपलसरी है टोटल, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ्स में मेरा क्या, फिजिक्स में मेरा 70 चाहिए, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है, मेंस के एग्जाम में इसमें
कोई भी कट ऑफ नहीं बताया गया है, यानी मेंस मान लेते हैं आप फिजिक्स में 0 भी लाएं लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स में 100 out of 100 आ रहा है, तो आपका टोटल 200 है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द एनी कॉलेजेस, ठीक है, मतलब NIT, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। लेकिन यदि हम बात करें एडवांस की, ये तो मेंस का हो गया, ठीक है, ये बात हो गया मेंस का कि मेंस ऐसे ऐसे होता है, ये चीज है इसमें, और इसमें पर सब्जेक्ट कोई भी कट ऑफ नहीं है, ठीक है, टोटल टोटल में कट ऑफ है, एक टोटल में कट ऑफ है। अब यदि हम बात करें एडवांस की, किसकी बात करें, एडवांस की, ठीक है, तो एडवांस के लिए आपका जो होता है ये काफी एक तरह से टफ कहें तो गलत नहीं होगा, ये एग्जाम काफी टफ होता है, काफी सिंसियरली आपको पढ़ना पड़ता है। म्यूट करें जो भी नए आए हैं पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट करें, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट करें। तो ये एडवांस की यदि हम बात करें तो एडवांस जो होता है वो मेंस जो क्वालिफाई कर लेते हैं और जिनको अपने आप पे पूरा विश्वास रहता है कि हम एडवांस क्रैक करेंगे, और भारत में जो जितने भी IIT कॉलेज हैं अभी 23, ठीक है, कितने कॉलेज हैं, 23 कॉलेजेज हैं, तो उसमें हम एडमिशन ले सके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में आप ले सकते हैं। तो एडवांस जो एग्जाम होता है उसके एडवांस जो होता है उसमें दो पेपर होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, मतलब कि दो पेपर होता है, एक तो होता है पेपर 1, ठीक है, पेपर 1, और एक होता है आपका पेपर 2, एक हो गया पेपर 1 और एक क्या हो जाएगा पेपर 2, और हर एक में, ठीक है, हर एक में क्या रहेगा आपका, पेपर 1 में PCM और इसमें भी क्या रहेगा PCM, जी हाँ, ये भी जो एग्जाम होगा आपका 3 आवर का होगा। अच्छा, ऊपर जो मेंस था, ठीक है, ऊपर जो मेंस के जो हम बात कर रहे हैं ये आपका बेटा कितना आवर का रहेगा, 3 आवर का रहता है एग्जाम, ठीक है, टाइमिंग बता देते हैं, 3 आवर का होगा एग्जाम, ठीक है, 3 आवर का रहेगा। और यहाँ जो एडवांस का जो हम दो पेपर दे रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, तो ये वाला जो रहता है वो अकेला 3 आवर का रहेगा, और ये भी उसी दिन सेम डेज होता है, ये भी ध्यान में रखना है, 3 आवर का होता है, यानी कि 6 आवर के आपको एग्जाम देने हैं, उस दिन दो पेपर देना है, पेपर 1 पेपर 2। आपको लगेगा अरे इतना कैसे एक दिन में दो पेपर, 3-3 घंटे का, ये सारा चीज साइकोलॉजिकली जो है वो धीरे धीरे सेट हो जाता है, सारे बच्चे जो है आसान तरीके से सब कुछ दे पाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। तो आप भी ऐसा हड़बड़ाए नहीं कि अरे सर ये इतना कैसे हो पाएगा, इतना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, लेकिन जी नहीं, आसानी से हो पाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, यदि आप मेहनत करते हैं तो। हाँ जी, रिद्धि कोई है जिनका म्यूट नहीं है तो प्लीज म्यूट कर दें, सानिका म्यूट कर दें, आप लोग म्यूट करें, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं यहाँ पे पेपर 3 जो है, पेपर 1 जो है, पेपर 2 जो है। अच्छा, अब इसमें इसमें क्या था कि केवल MCQ आ रहे थे, मेंस में क्या था, मेंस में क्या था कि MCQ आ रहे थे जनरली 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो था न्यूमेरिकल बेस्ड था, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न के आते हैं। एक तो हो जाता है आपका MCQ, तो कुछ क्वेश्चन MCQ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इंटीजर रहेंगे, यानी पूछेंगे वो कि 10 दे देंगे ऑप्शन, आप बोलेंगे इसमें से कितने जो हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, मतलब कुछ भी, तो आपको बताना पड़ेगा कि 10 ऑप्शन में से 5 है इसका आंसर, 10 ऑप्शन में से 3 होगा इसका आंसर, या 7 होगा, 6 होगा, ऐसे करके बताना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन दे देंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड दे देंगे, या मैच द फॉलोइंग दे देंगे, तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, पेपर 1 पेपर 2 में दोनों की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। और खास बात क्या है, बड़ा मजेदार आपको लगेगा, और खास बात क्या है कि दोनों पेपर मिला करके, ठीक है, तकरीबन तकरीबन एक पेपर जो रहता है, पेपर 1 की बात करें, ठीक है, पेपर, अच्छा दोनों मतलब कि हर एक साल, जैसे कि उसका क्या है कि 300 मार्क्स फिक्स है, टोटल कितने मार्क्स है, 300, ठीक है, टोटल 300, लेकिन इसका टोटल टोटल मार्क्स मार्क्स नॉट फिक्स, यानी कि हर एक साल IIT जो है आपको चौंकाता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा ये करता है, मतलब हर एक साल जो है इसका मार्क्स में थोड़ा बहुत चेंजेज, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि इस बार 200 का लिया तो अगली बार 300 का, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पेपर 1 जो रहता है वो यदि हम बात करें, पेपर 1 वो तकरीबन 187 या 186, ठीक है,
186 या 187 ऐसे मार्क्स का होता है, और पेपर टू भी वही सेम 186 का ही हम मान ले तो इसी तरीके से आपका पेपर होता है। तो टोटल जो है वो तकरीबन 360 के समथिंग में हो जाता है, ठीक है। अप्रॉक्स यदि हम बात करें, ठीक है, अप्रॉक्स तो ये आपका जो है 360 एक हम लगभग मान करके चल रहे हैं कि इतना तो मार्क्स चला जाता है 366, ठीक है, 360 तो प्लस ही रहता है, ये मार्क्स टोटल होता है। जिसमें कट ऑफ, अब यदि हम बात करें सर इसमें कितना मार्क्स ले आएंगे तो जो है आपको IIT कॉलेज मिल जाएगा, तो इसमें यदि आप 30% भी ले आते, 33% ले आते हैं, 40%, हाँ प्रिया कौन है जी, प्रिया वो मिटाएं इसको, जो इरेज करें अभी जो लिखे हैं, कई बार बोले स्क्रीन पे आप लिखिएगा तो आएगा सब कुछ। तो इसमें जो है कट ऑफ, बढ़िया कॉलेज लाने के लिए, आपको अच्छा कॉलेज लाने के लिए यदि आप 250 प्लस लाते हैं, 250 प्लस जो कि आसान नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छा एक कॉलेज मिलता है IIT का। हो सकता है IIT बॉम्बे मिल जाए आपको, IIT खड़गपुर मिल जाए, IIT ये मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, ठीक है, IIT BHU मिल जाए, तो कई सारे अच्छे कॉलेज आपको इसमें मिल जाएंगे IIT। जी हाँ, आपका सपना पूरा होगा, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए और भी कई सारे IIT कॉलेजेस हैं, रैंकिंग उनका थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी एडमिशन पाना इतना आसान नहीं है। तो कम से कम यदि आप 120 प्लस आता है ओपन कैटेगरी के लिए, 120 प्लस भी यदि आ जाता है कभी कभी, तो उसका एडवांस क्वालिफाई हो जाता है और कोई ना कोई ब्रांचेज मिल जाता है। तो ये 120 में बहुत अच्छे ब्रांच नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको टारगेट कहाँ करना पड़ेगा, तकरीबन 250 का। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज कि मेंस में हम क्या बोले थे कि किसी भी ये को सब्जेक्ट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि एडवांस में आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ्स में भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी कि आप फिजिक्स में यदि 0 ला दिए और केमिस्ट्री और मैथ्स में यदि आपका आ गया, इसमें आ गया 100 मार्क्स, ठीक है, इसमें आ गया आपका 50 मार्क्स, तो टोटल हो जाता है 150। तो 150 में तो कॉलेज मिलना चाहिए, लेकिन नहीं। और यदि इसका कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ यदि फिजिक्स का आपका गया है 5 मार्क्स, सपोज दैट 5 मार्क्स, और आपका 0 मार्क्स आया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडवांस, यानी कि IIT में आपका सिलेक्शन फिर नहीं होगा। यानी कि हर एक सब्जेक्ट का आपको जो है वो कट ऑफ क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? तो क्या ये IIT का पूरा फंडा समझ में आया क्या, कि IIT क्या आपसे मांगता है, पेपर का क्या पैटर्न रहता है, IIT एडवांस, IIT मेंस, सभी लोगों को समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, यस सर, ओके, ठीक है, तो 11:45 हो चुका है, आपका नेक्स्ट लेक्चर है। तो कल जो है हम लोग थोड़ा सा नीट के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि नीट का एग्जाम, बस वो तो 5 मिनट में हो जाएगा, उसका बहुत ज्यादा है नहीं, वो छोटा सा हम लोग बताएंगे। और ये लेक्चर पूरा रिकॉर्ड हुआ है, तो जिसको फिर से देखना है, फिर से सुनना है, इसको हम तुरंत अपलोड भी करेंगे, सारा चीज जो है JEE से रिलेटेड आप देख सकते हैं, और मेडिकल से रिलेटेड नहीं तो हम लोग कल बात कर लेंगे एक बार, ठीक है, समझ में आ रहा है? और कोई भी डाउट्स रहे तो आप जरूर से जरूर हमसे पूछ सकते हैं। तो ओके, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा, डाउट जरूर पूछिएगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आप लीव कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू, हाँ हाँ बोलिए, पल्लवी है क्या क्या, हेलो किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, चलिए हम लीव कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, मीटिंग एंड कर रहे हैं, किसी को डाउट रहे तो वो पर्सनली पूछ सकते हैं आपका अगला क्लास, ठीक है, थैंक यू सो मच।